हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन टू द न्यू वीडियो। तो टॉप 1 इंडिया AWM टाइटल रैंक पुशिंग की वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। एंड हम AWM के साथ साथ FGL 24 के अंदर भी रैंक पुश करके अपना वेपन ग्लोरी टाइटल लेना चाहते हैं, जैसे कि आपको पता है। एंड आज के दिन में हमें कौन सा टाइटल मिलेगा वो तो वीडियो के एंड में जाके ही पता चलेगा। एंड पिछले वीक की बात करें तो हमें टॉप 11 के AWM का टाइटल मिला था एंड साथ साथ टोटल 16 टाइटल्स मिले थे। एंड आज के कुछ मैचेस यहाँ पर स्क्वाड के भी होने वाले, जो कि हमने अपने सब्सक्राइबर के साथ खेले व्हाट्सएप चैनल पे टीम कोड देके। अगर आप लोग भी मेरे साथ खेलना चाहते हो तो व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप ज्वाइन कर लेना। एंड बात करी गई यहां पर FGL 24 गन की, जब मैंने यहां पर रैंकिंग स्टार्ट की थी यहां पर वेपन ग्लोरी टाइटल लेने के लिए, तो मैं यहां पर 1483 पे था। तो देखते हैं हमें कौन सी रैंक का टाइटल मिल पाता है। तो चलो अभी ज्यादा देर न करते हुए फटाफट मैच के अंदर चलते हैं। सिस्टम पार देंगे। अब आज के पहले मैच की बात करिए तो मेरे 6 किल निकल चुके थे, लास्ट के 5 बंदे रह गए थे। इतने में एक बंदा मेरे सामने आता है जिसको मैं AWM शॉटगन के साथ फिनिश कर देता हूँ, जिसके बाद लास्ट के 4 ही बंदे रह गए थे। इतने में एक बंदा यहाँ से उड़ने का ट्राई कर रहा था एंड मैं इसमें जल्दी से एम नहीं ले पाता, जिसके बाद की रेंज से भी बाहर हुआ था। अब इसके बाद से मेरे को एक और एनिमी दिखता है, जो कि यहाँ पर सामने एक बंदा इसकी वॉल तोड़ रहा था लॉन्चर से। एंड जैसे ही ये बंदा मेरे को यहाँ पर दिखता है तो मैं इसको AWM से एम करता हूँ एंड फाइनली इसको भी खत्म कर देता हूँ। एंड हमारे 8 किल भी यहाँ पर निकल जाते हैं, जिसके बाद मैं फटाफट यहाँ पर अपनी गाड़ी लेके यहाँ से जोन के लिए निकल जाता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर जोन में पहुंचता हूँ, सामने की साइड मेरे को बंदा दिखता है जो कि ग्लू बॉल के अंदर पैक था एंड मैं यहाँ पर ग्रेनेड कर देता हूँ, जिसके बाद इसको 158 का डैमेज पड़ता है एंड पीछे से मेरे को भी बंदा एक और डैमेज देने लग जाता है, जिसके बाद मैं जल्दी से मेडिकेट कंप्लीट करता हूँ एंड इस बंदे की वॉल पे ग्लू मेटर डालता हूँ, जिसके बाद ये मेरे पे रश मारने आ रहा था। फिर मैं एक और ग्लू मेटर डालता हूँ एंड यहाँ से फिर मैं इसको AWM का शॉट ट्राई करता हूँ कि कनेक्ट हो जाए। एंड जैसे ये बंदा बैठा हुआ होता है इसको हेडशॉट भी लग जाता है। अब इसके बाद जस्ट एक आखिरी का एनिमी बचा था जिसको मेरे को खत्म करके यहाँ पर भूया लेना था एंड ताकि मेरा 10 किल के साथ भूया हो जाए, जिसके बाद मैं यहाँ पर लॉन्चर ट्राई करता हूँ बट मेरा लॉन्चर ऑटोमेटिक एम पता नहीं गाड़ी पे चल जाता है, बल्कि थोड़ी देर यहाँ पर लॉन्चर को ऑन करता हूँ तो अपने आप गाड़ी के वहाँ चल जाता है, जिसके बाद अभी जैसे इसको खत्म करना है। एंड मेरे पास शॉर्ट गन भी है, बाकी ग्लू मेटर डालते हैं। ओके, 2 ग्लू मेटर तो डाल दिया मैंने उस पर, बाकी ये बंदा ऊपर साइड आ चुका है। एक और ग्लू मेटर एंड AWM डैमेज। एंड इस बंदे के पास यहाँ पर M249 है। वेट, ऑल राइट, फाइनली खत्म। तो 10 किल के साथ हमें फाइनली ये वाला मैच निकल जाता है, बुया बुया बुया, जिसके अंदर हमको टोटल यहाँ पर 27 का प्लस मिल जाता है। अब बढ़ते हैं गाइस अगले मैच की ओर। अब बात करें गाइस ये वाले मैच की, तो मेरे 5 किल निकल चुके थे, लास्ट के 5 बंदे आ रहे थे। इतने मेरे को जोन में निकलना था एंड एक बंदा यहाँ पर गाड़ी लेके जा रहा था, तो मैंने फटाफट से लिफ्ट मांगी एंड इसी की गाड़ी में बैठ जाता हूँ, जिसके बाद की ये बंदा मेरे को जोन के अंदर लेके चल जाता है एंड साथ साथ अभी यहाँ पर किराया देना तो बंदा था, तो मैं फटाफट उतरता हूँ एंड इसको डैमेज देने लगता हूँ, जिसके बाद मैं अपनी एक्टिव स्किल ऑन कर लेता हूँ एंड इस बंदे की वॉल पे फायर करता हूँ, जिसके बाद मार्क आता है एंड मैं इसको काफी डैमेज भी करता हूँ। एंड मेरे पे यहाँ पर एमओ काफी कम बची हुई थी, जिसके बाद मैं यहाँ पर थोड़ा बहुत और फायर करके AWM से फिनिश करने का ट्राई कर रहा था। इतने में कोई और बंदा ही किल लेके जाता है एंड यहाँ पर जो किल लेके जाता है वहाँ पर वो 2 बंदे थे, मतलब कि टीम अप करके दोनों बंदे साथ में थे। अभी यहाँ पर इनको फिनिश तो करना पड़ेगा, बाकी मेरे पास AWM की एमओ भी काफी कम है। सामने वाला बंदा भी AWM चला रहा है। अब काफी देर होल्ड करने के बाद मैं इस बंदे को लूट करने आता हूँ, जिसके बाद से मुझे FGL 24 मिल जाती है। अब यहाँ से हमें कंप्लीट तो करनी थी ग्लोरी, तो यहाँ पर अभी मेरे को FGL 24 से डैमेज देता हूँ ताकि यहाँ पर कोई एलिमिनेट हो जाए तो और बेटर है। जिसके बाद मैं सामने वाले बंदों पर यहाँ पर एम करता हूँ, एक बंदे को डैमेज करता हूँ, फटाफट यहाँ पर एक और शॉट कनेक्ट करने का ट्राई करता हूँ बट लगता नहीं, जिसके बाद फटाफट FGL 24 के सारी एमओ फायर करता हूँ एंड काफी गंदा डैमेज आ रहा था सामने की साइड, तो मैं फटाफट यहाँ पर एमओ ड्रॉप कर लेता हूँ, एक्सेमेट को भी उठा लेता हूँ। एंड अभी मेरे पास 2 एमओ बची है लास्ट, तो फटाफट इनको भी फायर करेंगे। लास्ट के 3 बंदे बचे हुए हैं। ओके, वो बंदे मेरी तरफ को रश कर रहे हैं M249 और AWM लेके। ओके, एक लॉन्चर फायर, एक और। ओके, डैमेज तो आ रहा है उनको, एक्टिव स्किल ऑन करके मारते हैं। ऑल राइट, एक बंदा खत्म, एक और बंदा है वहां पर, इसको भी डैमेज। नीचे वाला बंदा भी रश करने आ सकता है, तो पहले इसको जल्दी से फिनिश करना पड़ेगा। ग्लू मेल्टर एंड ग्रेनेड है अपने पास, एलिमिनेट हो जाए तो बढ़िया है। और फाइनली खत्म, जस्ट आखिरी का एनिमी बचा हुआ है अभी, जस्ट उसको फिनिश करना है अपने को। एंड उसके पास AWM थी शायद, तो उसको एक काम करते हैं लूटने चलते हैं, बस फटाफट मिल जाए। ओके, एमओ भाई, एमओ कहाँ चले गई, एमओ ही नहीं उठ पाई, वो बंदा रश करने आ रहा है। मैडी कर लेते पहले। और राइट, 2-3 हेड तो पड़े हैं उसको, भाई रिलोड ही नहीं हुई। और फाइनली खत्म, तो फाइनली 8 किल के साथ हमें ये वाला मैच भी निकल चुका है, बुया बुया बुया।
एंड ये वाली मैच के अंदर हमको टोटल यहाँ पर 30 का प्लस मिल जाता है। अब बढ़ते गए अगले मैच की ओर। अब बात करें गई ये वाली मैच की, तो इस वाली मैच को मैं स्क्वाड में खेला था टीम कोड के साथ एंड ये वाली मैच के अंदर मेरे 7 किल निकल चुके थे एंड लास्ट के 13 बंदे अलाइव थे। अब यहाँ पर हमारा नॉट चेतन भाई भी हमारे साथ खेल रहे हैं, बाकी सामने बंदा डैमेज और राइट वो बंदा नॉक है, बस वो रिवाइव हो जाएगा मेरे को लग रहा है, बस यहाँ से एम करे रखते हैं। ओके फिनिश हो चुका है, 8 किल भी हमारे निकल चुके हैं एंड सामने उस साइड में बंदे हैं, वेट वॉल दिख रही है, मेरे पास स्किल भी है तो ऑन करके मारते हैं। एक बंदा नॉक, वो रिवाइव करने जा रहा है। ऑल राइट फाइनली खत्म, तो 10 किल हमारे निकल चुके हैं, लास्ट के अभी भी 8 बंदे बचे हुए हैं। अब इसके बाद सामने साइड मोको की लोकेशन आ रही थी, तो मैं यहाँ पर AWM को यहाँ पर जंप हेडशॉट के साथ ट्राई करता हूँ कनेक्ट हो जाए एंड एक बंदे को मैं यहाँ पर कनेक्ट करता हूँ, जिसके बाद यहाँ पर मैं और शॉट लगाने का ट्राई करता हूँ बट यहाँ पर उछल ही नहीं पा रहा था, तो फटाफट यहाँ पर फ्लैश फ्रीज वगैरह मारता हूँ ताकि उन बंदों को यहाँ पर डैमेज आए एंड साथ में ग्रेनेड वगैरह भी फेंक देता हूँ ताकि यहाँ पर कोई ना कोई तो एलिमिनेट हो जाए, बट यहाँ पर हमारे चेतन भाई खुद ही एलिमिनेट करते हैं। अब यहाँ पर हमारे लिए 2v सिचुएशन थे, मतलब कि हम 2 ही बंदे बचे हुए एंड हमारे पास टोकन भी यहाँ पर प्रॉपर नहीं है, तो देखते हैं पर इस मैच को भुया निकाल पाते हैं या नहीं। बाकी लेफ्ट से कोई निकलेगा तो यहाँ से डैमेज देंगे, लास्ट के 4 ही बंदे बचे हुए हैं। अब जैसे मैं यहाँ पर बैठता हूँ कि स्पॉट करूंगा और बंदों को, इतने में पीछे से मेरे को डैमेज पड़ता है, जिसके बाद कि यहाँ पर हमारा टीममेट उसको फिनिश कर जाता है एंड लास्ट के अभी 2 ही बंदे बचे हैं, मतलब कि अभी 2v2 की फाइट बची हुई है, तो निकलते हैं फटाफट जोन के लिए। अब जैसे मैं यहाँ पर लास्ट जोन में निकल के आता हूँ, सामने में एक बंदे को डैमेज करता हूँ, जिसके बाद ये बंदा अपने आप को पैक कर लेता है एंड मेरे पास ना ही ग्लू मेल्टर ना ही नेट वगैरह कुछ भी नहीं था एंड एक और बंदा सामने की साइड था, इतने में मेरा टीममेट इस पर ग्लू मेल्टर एंड नेट वगैरह का ट्राई करता है, जिसके बाद मैं इसको एक और शॉट कनेक्ट करता हूँ बट मेरा टीममेट यहाँ पर किल लेके जाता है। अब जस्ट एक आखिरी का एनिमी बचा है एंड उसको फिनिश करते हैं, हमको यहाँ पर बुया मिल जाएगा, बाकी इसको डैमेज देने का ट्राई करते हैं, डैमेज एंड ये किल भी मेरा टीममेट ले गया। खैर कोई बात नहीं, हमें 10 किल के साथ ये वाला मैच भी निकल चुका है, बुया 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 एंड ये वाला मैच हमारा स्क्वाड मैच था, तो हमें यहाँ पर टोटल 55 का प्लस मिल जाता है। अब बढ़ते हैं अगले मैच की ओर। अब बात करी गई ये वाली मैच की, तो ये हमारा दूसरा वाला स्क्वाड मैच था जहाँ की मेरे 7 किल निकल चुके थे एंड हमारे यहाँ पर लास्ट के 17 बंदे लाए थे, जहाँ पर कि सामने वाले बंदे को मैं स्नाइपर से नॉक कर लेता हूँ एंड फटाफट अपने लास्ट वाला जो बचा हुआ टीममेट है इसको फटाफट रिवाइव कर लेता हूँ, जिसके बाद कि हमारे लिए अभी 2v4 की सिचुएशन है, बाकी टोकन तो अपने पास इतने प्रॉपर है भी नहीं। अब इसके बाद जैसे मैं घर के अंदर आता हूँ, तो मैं देखता हूँ जोन में एक बंदा बाइक से नॉक हो चुका है, मतलब कि वो जोन में ही एलिमिनेट हुआ है, तो मैं यहाँ पर किल चुरा लेता हूँ, मतलब कि फ्री का किल मिल रहा है तो भाई लेने में क्या ही बुराई है। अब यहाँ पर मेरा 9 किल निकल जाते हैं, जिसके बाद हम धीरे धीरे जोन में आते हैं, एक बंदा मॉन्स्टर लेके घुमा रहा था गाड़ी, तो इस बार तो इसको फिनिश करना बनता था, जिसके बाद मैं इसको 2 शॉट कनेक्ट करता हूँ एंड तीसरे शॉट में ये बंदा नॉक हो जाता है, इसके बाद मैं फटाफट इसको फिनिश ले लेता हूँ एंड हमारे 10 किल भी कंप्लीट हो चुके हैं, तो अभी लास्ट के 12 बंदे अलाइव हैं, बाकी इधर चलते हैं। एकदम लास्ट का जोन आ चुका है, एक और बंदा दिखा, डैमेज, चलो ये भी नॉक, इसको भी फिनिश ले लेते हैं। ऑल राइट ये भी खत्म, 8 बंदे बचे हुए हैं अभी भी, सामने कोई बंदा, ओके एक बंदा है वहाँ पर, मैंने स्किल ऑन करके डैमेज देने का ट्राई तो कर रहा हूँ। ओके 127 एक और बंदा आ गया, ये भी डैमेज और फाइनली खत्म, इसकी तो टीम वाइप आउट हो चुकी है एंड लास्ट के भी 2 ही बंदे बचे हुए हैं, तो हमारे 12 किल भी निकल चुके हैं। अभी जस्ट इन 2 बंदों को खत्म करके हमें यहाँ पर बुया लेना है। मेरे पास यहाँ पर कुछ ग्रेनेड बचे हुए थे, जिसके बाद मैं ग्रेनेड का यूज करता हूँ, घर के ऊपर यहाँ पर एनिमी था जिसको यहाँ पर डैमेज पड़ता है, जिसके बाद मैं एक और ग्रेनेड फेंकता हूँ, जिसके बाद ये बंदा भी खत्म आता है एंड इसकी भी टीम वाइप आउट आती है। तो अभी जस्ट एक आखिरी का एनिमी बचा हुआ है एंड मेरे 13 किल निकल चुके हैं, जस्ट उसको खत्म करते हैं, हमारा ये वाला मैच बुया निकल जाएगा। कीरा नीचे साइड छुपा हुआ है, डैमेज स्काइलर एंड फाइनली खत्म, तो 14 किल के साथ फाइनली हमें ये वाला मैच भी निकल जाता है, बुया 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 एंड ये वाली मैच के अंदर हमको टोटल 33 का प्लस मिल जाता है। अब बढ़ते हैं अगले मैच की ओर। अब बात करी गई ये वाली मैच की, तो मेरे 5 किल निकल चुके हैं, इतने में एक बंदा यहाँ पर जीप लेके नीचे आता है, जिसके बाद मैं इसको शॉट कनेक्ट करने का ट्राई करता हूँ, जैसे ही निकल रहा था इसको हेडशॉट पड़ जाता है, जिसके बाद मैं फटाफट इसको फिनिश करता हूँ एंड यहाँ पर से हमारे 6 किल निकल जाता है, जिसके बाद मैं फटाफट ऊपर साइड निकलता हूँ एंड मेरे पास एक पोर्टल बचा होता है एंड लास्ट के 9 ही बंदे अलाइव थे, तो मैं फटाफट पोर्टल आके इस छत पर चल जाता हूँ एंड यहाँ पर जैसे ही मेरे को एनिमी दिखाई देते हैं, तो यहाँ पर मैं इनसे AWM का फायर करने लग जाता हूँ, जिसके बाद पहला शॉट तो मिस होता है बट फाइनली इसको खत्म करके इसकी स्क्वाड को वाइप कर देता हूँ। एक और बंदे था उसको भी नॉक कर लेता हूँ एंड एक और बंदा इतना, तो यहाँ पर FZ24 का फायर करता हूँ एंड वो बंदा भी यहाँ पर फिनिश हो जाता है, जिसके बाद देखते देखते स्क्वाड वाइप हो जाती है। अब यहाँ पर एक जस्ट आखिरी का एनिमी बचा हुआ था जिसको यहाँ पर खत्म करना था एंड मैं सोचता हूँ यहाँ पर FZ24 से उसको मार के यहाँ पर ज्यादा ग्लोरी बढ़ाऊंगा, इतने में सामने बंदा दिखता है बट मेरा टीममेट यहाँ पर फिनिश करने जा रहा था, तो मैं फटाफट उसको हेडशॉट मार के फिनिश कर देता हूँ एंड 10 किल के साथ ये वाली मैच को भी निकाल लेता हूँ, बुया 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 एंड ये वाली मैच के अंदर हमको टोटल यहाँ पर प्लस मिल जाता है 35 का। अब बढ़ते गए अगले मैच की ओर, 6 की स्ट्रिक बन चुकी है।
अब बात करें गाइस ये वाले मैच की तो मेरे 8 किल निकल चुके थे। इतने मेरे को जोन से साउंड आता है कि गाड़ी आ रही है एंड मैं वहीं को एम लगाने लग जाता हूँ। जिसका जैसी गाड़ी आती है मैं उसको हवा में डैमेज कर देता हूँ एंड जैसे ही बंदा आता है मेरा एम मिस हो जाता है, जिसके बाद मैं इसको MP5 से यहाँ पर डाउन कर लेता हूँ एंड फटाफट इसको क्लियर भी कर लेता हूँ। अभी लास्ट के यहाँ पर 2 ही बंदे बचे हुए थे, इतने पीछे से एक और बंदा आता है जिसके अंदर फटाफट पहले मेडी कंप्लीट कर देता हूँ एंड जैसे ही बंदा मेरे पर रश मारने आ रहा था तो फटाफट मैं इस पर रश करने निकल जाता हूँ एंड फटाफट इसको भी डैमेज करके इसका सोनी एक्टिव कर देता हूँ, जिसके बाद ये भी नॉक हो जाता है एंड इसको फटाफट फिनिश करके यहाँ पर मेरे 10 किल भी कंप्लीट आते हैं। तो अभी जस्ट एक आखिरी का एनिमी बचा हुआ है एंड उसको ढूंढने निकलते हैं। अब जो लास्ट वाला एनिमी बचा हुआ था उसके साथ मेरी फाइट काफी देर तक चलती है, जिसके बाद मैं लॉन्चर वगैरह काफी चीजें ट्राई करता हूँ एंड ये बंदे का थोड़ा नेटवर्क इशू था, जिसके अंदर उसको डैमेज करता हूँ तो ये वॉल के पीछे जाके मैं फायर करने लग जाता है, जिसके अंदर फटाफट पहले सुपर मेडिक कंप्लीट करता हूँ एंड रिपेयर किट को भी कंप्लीट कर देता हूँ। इतने में इसका नेटवर्क भी ठीक हो जाता है तो मैं फटाफट यहाँ पहले ग्लूमेल्टर डालता हूँ ताकि इसको थोड़ा बहुत डैमेज आए एंड जैसे ये बाहर था थोड़ा बहुत MP5 एंड AWM मार के इस बंदे को भी फिनिश कर देता हूँ एंड साथ साथ हमारा 11 किल के साथ ये वाला मैच भी निकल जाता है भूया, जिसके अंदर हमको टोटल यहाँ पर 30 का प्लस मिल जाता है एंड साथ 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 की स्ट्रिक भी। बढ़ते हैं अगले मैच की ओर। बात करी गई ये वाले मैच की तो मेरे 6 किल निकल चुके थे, लास्ट के 4 बंदे लाइफ थे एंड मुझे जोन में भी निकलना था तो मैं फटाफट पहले यहाँ पर लॉन्च पैड का यूज करता हूँ। इतने मेरे को यहाँ पर बंदा दिख जाता है, जिसके बाद मैं इसको शॉटगन की 2 गोली कनेक्ट करता हूँ एंड 1 AWM का शॉट भी कनेक्ट करता हूँ एंड इसने स्किल मारी हुई थी एंड मेरे को वेट था कि जब ये बॉल पैक करेगा, जिसके बाद मैं इसको यहाँ पर MGL से ही फिनिश कर देता हूँ एंड मेरे 7 किल निकल जाते हैं। इसके बाद मैं नीचे आता हूँ तो एक और बंदा मेरे को दिखता है, जिसके अंदर MGL की एमो थी तो मैं यहाँ पर एक और बार फायर करता हूँ एंड इस बंदे को भी MGL के साथ नॉक कर लेता हूँ, जिसके अंदर फटाफट इस पर रश करता हूँ एंड इसको फटाफट फिनिश भी कर लेता हूँ क्योंकि हमें MGL का ग्लोरी कंप्लीट करना था इसीलिए। अब यहाँ पर जस्ट एक आखिरी का एनिमी बचा है एंड उसको फिनिश करते हैं, हमारा ये वाला मैच भूया निकल जाएगा। अब काफी देर तक इस बंदे का मैंने वेट किया एंड जैसे ही ये बंदा मेरे को दिखता है कि ये बंदा नीचे आ चुका है एंड बंदा वहां से नेट कर रहा था, जिसके बाद मैं इसको डैमेज करता हूँ एंड इस बंदे का भी ग्रेनेड मेरे पास आके पड़ता है, जिसके बाद मैं फटाफट इनहेलर वगैरह मार लेता हूँ एंड इस बंदे की तरफ को मैं रश करने निकल जाता हूँ एंड साथ में 1 AWM का शॉट भी कनेक्ट कर देता हूँ, जिसके बाद की वजह से मेरे वेट था कि जैसे ही बाहर निकले इसको मैं फिनिश करूंगा। बाकी ये निकलेगा कि पैर तो दिख रहे हैं और फाइनली खत्म। तो 9 किल के साथ हमें ये वाला मैच भी निकल जाता है बुया 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 एंड साथ साथ ये वाले मैच के अंदर को टोटल 30 का प्लस मिल जाता है एंड साथ साथ 8 की स्ट्रीक भी। अब फाइनली यहाँ पर टाइम हो चुका था हमें वेपन ग्लोरी का टाइटल मिलने का, तो अपने गेम को यहाँ पर रिस्टार्ट कर लेता हूँ एंड फटाफट लॉबी के अंदर आता हूँ एंड जैसे मैं यहाँ पर रैंक पे क्लिक करता हूँ तो हमको यहाँ पर मिल जाता है अपना वेपन ग्लोरी लीडर बोर्ड एंड फाइनली हमको यहाँ पर टॉप 10 इंडिया AWM का मिला एंड साथ साथ टॉप 22 का FGL 24 का भी मिल चुका है। बाकी यहाँ पर FGL के अंदर और भी मिले हुए टोटल 18 टाइटल्स हमको मिल चुके हैं यहाँ पर एंड जिसके अंदर आप देख सकते हो कि कौन कौन सी गन के ऊपर मिला हुआ है एंड अगर आप लोग वीडियो पे अभी तक बने हो तो 18 टाइटल्स जरूर से लगा देना एंड साथ ही आपको कितने टाइटल्स मिले वो भी जरूर बताना। बाकी अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो गाइस लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना एंड शेयर कर देना। बाकी मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।